आज तो मौज उड़की मौज मौज। और लेकिन उस दुपट्टे ने ये हाथ पे जच्चा लिए बोल गए बोरिया बोल रहे हैं हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और अभी हम चल रहे हैं 75 डेज के चैलेंज को पूरा करने, यानी कि आज हमारा चौथा दिन है। तो चलो फिर चलते हैं अपना पहला टास्क कंप्लीट करने। पहला टास्क है हमारा 90 मिनट की एक्सरसाइज। तो 45 मिनट का है। तो अंकित भैया ने बोला था कि भाई आप 45 मिनट बाहर करना है, 45 मिनट तो बाहर है और 45 मिनट या तो अंदर कर लो या बाहर कर लो, आपकी मर्ज़ी। तो आज अपन है ना दोनों एक्सरसाइज के स्लॉट है ना 45 मिनट वाले, दोनों ही बाहर करेंगे। तो चलो फिर चलते हैं। थोड़ी देर दौड़ करने के बाद मैं एक्सरसाइज कर लेता हूँ पूरे 45 मिनट तक। अभी तो यार मैंने है ना 45 मिनट का स्लॉट तो लगा लिया है अपने एक्सरसाइज का, यानी 45 मिनट जो हम बाहर करते हैं ना एक्सरसाइज, वो तो कर ली है। और बाकी मैंने आते वक्त सोचा था यार कि भाई दोनों स्लॉट यहीं पर लगा लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो अभी मैं जा रहा हूँ अपने घर, फिर घर जाके फिर हम लगाएंगे 45 मिनट की एक्सरसाइज का स्लॉट। और बाकी भाई साहब देखो आज का नज़ारा कितना बढ़िया है भाई साहब, ठीक है ना। तो अभी चलते हैं फिर घर और करते हैं फिर एक्सरसाइज, ठीक है। मैं घर आकर सीधा का सीधा अपना टास्क पूरा करने में लग जाता हूँ और लगभग 45 मिनट तक मैं एक्सरसाइज करता हूँ। अभी तो यार हम हो गए हैं तैयार एकदम नहा धो के। तो अभी हम चल रहे हैं बालाजी के मंदिर, क्योंकि हम शाम को किसी शादी में रहेंगे ना, हमारे भाई जी की शादी है तो इसलिए उसमें रहेंगे, तो हम नहीं जा पाएंगे बालाजी के मंदिर। तो अभी हम सुंदरकांड करके आ जाते हैं। और जो हमारा 75 डे का चैलेंज है उसमें एक है ना 10 पेज पढ़ने होते हैं बुक के, तो वो टास्क भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो फिर चलते हैं बालाजी मंदिर, ठीक है। सभी पुरकार से कह दो दूर न करो, यहाँ एक आऊ माल्यवंत ग्रह गए बोरी कहे विभीषण पुण्य कर दोरी सुमत कुमत सबके उ रही नाथ पुराणी कमस कह ही जहाँ सुमत तय संपद न आना जहाँ कुमत तय विद आना तो उर कुमत से बस विपरीता हित हित मानव विपरीता काल रात में चरकुल के रही ते सीता पर प्रीत गनेरी ता चरण गई मांगाऊँ राखो मोर दुलार सीता देव मिलो न आवा काल तुम्हार। अभी तो यार हो गए हैं हम तैयार अपने भाई जी बरात में जाने के लिए। तो चलो फिर चलते हैं बिना किसी देरी के, ठीक है। यहाँ पे मेरे भैया और जीजा जी भैया जी को तैयार कर रहे हैं। और लेकिन उस दुपट्टे ने ये हाथ पे जच्चा बन लिए कर इसे नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, आई नहीं है हाथ पे कर हाथ पे कर नहीं खाएगी मैं मम्मी को बताएगा मामा भी को बताएगा तेल नहीं भैया और जीजा जी तो भैया जी के साथ फोटो खींच रहे थे और मैं इनकी वीडियो बना रहा था। अभी हमारे पास नाश्ता आ चुका है, नाश्ते में कचौरी काजू कतली और गुलाब जामुन। और इसी नाश्ते के साथ अपना जो ये चैलेंज है वो यहीं पे टूटता है। और बाकी अभी मेरे जीजा जी मेरे भैया को खिला रहे हैं मिठाई और बाकी भैया अभी कैमरामैन को ढूंढ रहे हैं। मेरे फूफा जी स्वागत करते हुए Thank you.
मीन्स कई बिनियाकड़े बनेड़े है नहीं तो ये वास्ते इन घोड़े पे बिठाना, लेकिन वो तो भाई साहब जिद्दी लो, वो तो बैठे ही कोनी, देख लियो नहीं बेटे रो रही हाथ चो बुरी तरह ही। नाश्ते गाते हम आखिरकार तोरण के लिए पहुंच ही गए हैं, और बाकी बस तोरण होते ही हम चलेंगे खाना खाने। सेटू मामा हाँ कोई और सिस्टम है नहीं, डिजाइन ही नहीं है। अच्छा बैकग्राउंड सेम टू कॉपी है ना। यहाँ पे मुझे मेरे दोस्त मिल गए थे, स्कूल वाले मनन और किशन कुमावत, और बाकी देखो भाई साहब कितना बढ़िया नज़ारा है अभी का। तो मेरे भैया ने बहुत देर बाद पानी पतासा खाने का तय किया, मगर इनका यहाँ पे मोई मोई हो गया। अब देखना वाह कैसे मोई मोई होता है। अभी एक लेडीज आई है, अभी देखना ये मेरे भैया से बात आई है, देखना देखना वाह ये यहाँ पे होगा मोई मोई, देखना ये हो गया मोई 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 मोई। पानी पतासे के बाद भैया ने कॉफ़ी पीना ट्राई किया, और उनमें भी उनको अनजान रिश्तेदार मिल गए, जानते ही नहीं है एक दूसरे को, फिर भी कह रहे हाँ राम राम जी बढ़िया है कॉफ़ी। इस शादी में यार मुझे अपने सूरज जी सर भी मिल गए थे, उनके साथ मैंने एक दो फोटो भी खिंचवाई और बातें भी की बहुत सारी। अभी तो यार अपन निकल रहे हैं, और अपन ने शादी घूम ली है, ठीक है तो फिर निकलते हैं हम अब अपने फूफा जी कार में। अब ब्लॉगर साहब चले चलो क्या कैसा रहा? बहुत अच्छा। अच्छा रहा है कि बाबू जाके आपको कैसा लगा? अच्छा लगा। अच्छा लगा वाह चलो भाई, लेकिन ठंड बहुत ज्यादा है। हाँ मोरी बोल गए मोरिया बोल रहे हैं। इसी के साथ इस व्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं कल वाले यानी काल के व्लॉग में, ठीक है बाय बाय टाटा।